हे गाइस, आज के वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूँ पीईवी स्ट्रक्चर के बारे में। अगर आप चाहते हो कि पीईवी में मेरा करियर बने, मतलब आपका करियर बने, तो ये वीडियो आपके लिए यूजफुल हो सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। गाइस, अगर अभी तक आप लोगों ने यूनिक सिविल ऐप डाउनलोड नहीं किया है तो सबसे पहले यूनिक सिविल ऐप डाउनलोड करो, क्योंकि इसके अंदर ढेर सारे स्टडी मटेरियल्स आपको मिल जाएंगे और साथ ही साथ बहुत ढेर सारे प्रैक्टिस प्रोजेक्ट मिल जाएंगे जिनको आप ऑटो कैड स्टैट प्रो में प्रैक्टिस कर सकते हो। इसमें फ्री और पेड दोनों कंटेंट है, जो आपको पसंद आए वो आप उसको लेके यूज कर सकते हैं। सो पहले आप लोग ऐप डाउनलोड करिए। चलिए, थैंक यू, अब वीडियो स्टार्ट करते हैं। उससे पहले जानते हैं पीईवी होता क्या है। प्री इंजीनियरिंग बिल्डिंग्स इन द सेंस कि पहले से बने बनाए इंफ्रास्ट्रक्चर्स हैं, उनको ले आके सिर्फ और सिर्फ प्लेसिंग करना है, सिर्फ और सिर्फ ले आके प्लेस करना है, दैट इज कॉल्ड पीईवी। आसान भाषा में, अब ऐसे स्ट्रक्चर्स की डिमांड क्यों ज्यादा हो रही है मार्केट में? डिमांड होने की वजह है टाइम। कहते ना, वजह तुम हो तो उसका वजह है टाइम। ठीक है, टाइम वजह है, जिसकी वजह से लोग चाहते हैं फटाफट मेरा सेटअप हो और मैं तुरंत काम स्टार्ट करूँ। फैक्ट्री बनाना है, तुरंत प्रोसेस आए, राफ्टर आए, कनेक्शन हो, फटाफट चला जाए। ठीक है, मतलब टाइम इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। आज के टाइम लोगों को पैसे से ज्यादा टाइम का इम्पोर्टेंस पता चल चुका है, इसलिए पीईवी धीरे धीरे ग्रो हो रहा है और इंडिया में काफी हद तक ग्रो हो चुका है। अब बात करते हैं कि पीईवी इंडस्ट्री जो है, इसमें सीखना क्या क्या चाहिए हमें। ठीक है, तो पीवी इंडस्ट्री में हमें क्या क्या सीखना चाहिए? हमें पीवी इंडस्ट्री में सबसे पहले स्टील मेंबर्स की प्रॉपर्टी और उनके बारे में, उनकी डेंसिटीज जानना चाहिए। स्टील के मेंबर्स, ठीक है, आईएसएमबी क्या होता है, एसएलबी क्या होता है, एसएचबी क्या होता है, इसके कौन कौन से सेक्शन होते हैं, डीप नॉलेज मेंबर्स का जरूर होना चाहिए। मेंबर्स का नॉलेज होने के बाद दूसरा जो थिंग्स होता है जो कि इंपॉर्टेंट है, कनेक्शन। ठीक है, कनेक्शन कहाँ पर कैसा है, स्प्लाइस कनेक्शन कहाँ पर लगा रहे हैं। ठीक है, अब उसमें जैसे कि वेल्डेड जॉइंट कहाँ पर है, कनेक्शन में सब कुछ आ रहा है, वेल्डेड जॉइंट है, बट क्या होते हैं अपना प्लेट लोड वगैरह जब लगा रहे हैं, हम लोग कैसे लगाएंगे, सारे के सारे कनेक्शंस आपको पता होना चाहिए कि कैसे कैसे हमको प्लेस करना है, हिंजेस कहाँ पे लगाने हैं हमको कनेक्शन में भी। जैसे अपेक्स हंज करके कनेक्शन होता है कि जैसे कि अगर दो इस तरीके से मेंबर है उनको अपेक्स हंजेस के थ्रू कनेक्ट कर सकते हो। तो ये कनेक्शंस का डीप नॉलेज आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, कौन सा कनेक्शन कहाँ पर और कैसे लगाते हैं। ये मैं टेक्ला की क्लास में पूरा पढ़ाता हूँ कि टेक्ला कौन कौन सा कनेक्शन कैसे कैसे लगाना है। ठीक है, कॉलम स्प्लाइस अलग होता है, बीम स्प्लाइस अलग होता है, बीम को कॉलम से कनेक्ट करेंगे तो इन प्लेट लगाएंगे क्या, इन प्लेट कनेक्शन कैसे होता है और उसके अंदर स्टिफनेस क्या होते हैं, तरह तरह की पूरा कनेक्शंस का एकदम पी जाओ, कनेक्शन पी जाओ और मेंबर्स का नॉलेज, कौन सा मेंबर कहाँ पर यूज करना चाहिए इसका नॉलेज, ये दो चीज है। देखो कितना कम पढ़ना पड़ा है, ये दो चीज आपको पता होना चाहिए। तीसरी चीज आपको विंड और सेस्मिक के बारे में पता होना चाहिए कि विंड क्या होता है और सेस्मिक क्या होता है। हो गया ये चीज तीन। अब बात करते हैं सॉफ्टवेयर स्किल्स। सॉफ्टवेयर स्किल्स में आपके पास, अगर आपने टेक्ला डिजाइनर और टेक्ला डिटेलर पढ़ा है तो मेरे अकॉर्डिंग सबसे बेस्ट है टेक्ला डिजाइनर और टेक्ला डिटेलर, ये दोनों। डिजाइनर में इसको क्या करो, डिजाइन कर दो, डिटेलर में डिटेल करके दे दो। तो ये दो सॉफ्टवेयर्स हैं और आपको कुछ नहीं करना है, मेंबर्स के बारे में जानना है कि क्या होता है। हाँ, एक और चीज आईएस कोड के बारे में जान लेना बस। तो ये मुश्किल से 5-6 स्टेप्स कर जाओगे तो आप पीवी के लिए प्रिपेयर हो। ठीक है, पीवी में शायद आपको कुछ नहीं पूछने वाले हैं और इसमें आपको आराम से बहुत अच्छी सैलरी और बहुत अच्छी जॉब मिल सकती है। तो इफ यू आर नॉट इंटरेस्टेड इन आरसीसी स्ट्रक्चर बट यू आर इंटरेस्टेड इन स्ट्रक्चर, तो दिस इज द बेस्ट प्लेटफॉर्म फॉर यू, दैट इज कॉल्ड पीईबी। अब एसएफडी भी अभी तो पढ़ोगे ना, ये सब एसएफडी बीएमडी डिफ्लेक्शन जो आरसीसी के प्रॉपर्टीज है वो तो भाई स्टील में अलग अलग प्रॉपर्टीज लगेंगी, फायर रेजिस्टेंस कितना हो सकता है इसके बारे में आपको पढ़ना पड़ेगा, भाई कहाँ पर कैसा है, ट्रसेस के बारे में कि भाई कहाँ पर कौन सा ट्रस देना चाहिए और क्यों देना चाहिए उसके बारे में, अच्छा यहाँ पर ये ट्रस ही क्यों अच्छा है, ये सारा चीज आपको पढ़ना पड़ेगा। बस इतना पढ़ के मैं बोलूंगा इसमें आरसीसी से कम पढ़ना है और अच्छी जॉब है इसके अंदर भी, और खासतौर से जो मेट्रो सिटीज है उनमें तो आप देख लो मैक्सिमम जगहों पर पीईबी, रेलवे का जितना काम हो रहा है सब पीईबी, जितनी भी इंडस्ट्री सेट्स बन रहे हैं सब के सब पीईबी बन रहे हैं। तो क्या समझ रहे हो, पीईबी काफी तेज बूम करेगा। इसमें दो सॉफ्टवेयर बहुत हेल्प करेगा आपका, एक टेक्ला डिजाइनर, एक टेक्ला डिटेलर, ये दो सॉफ्टवेयर बहुत अच्छे। अल्टरनेटिव में अगर आप सीखना चाहते हो तो टेक्ला डिटेलर का तो कोई अल्टरनेटिव नहीं हो तो सीखना ही पड़ेगा। आप ऑटो कैड सॉरी स्टैट प्रो के अंदर आप इसका जनरल डिजाइन कर सकते हो, किसके अंदर स्टैट प्रो के अंदर डिजाइन भी कर सकते हो, साथ ही साथ ऑटो कैड कंपलसरी एज यूजुअल, बिना ऑटो कैड के तो कुछ नहीं होने वाला है। तो दिस इज कॉल्ड पीईबी
स्ट्रक्चर इंडस्ट्रीज। मैं प्लान कर रहा हूँ पीवी के लिए एक अलग सा कोर्स डिजाइन करने के लिए कि पीवी में क्या क्या पढ़ना चाहिए। ये टेक्ला वाली जो बैच होगी इसी में से कुछ लेक्चर एक्स्ट्रा लगा के मैं पीवी का एक कोर्स भी बहुत जल्दी डिजाइन करना चाहता हूँ और जल्दी ही आपके सामने आएगा। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो नीचे लिख देना, क्यों मेहनत बहुत लगेगी बट मैं चाहता हूँ पूरा कनेक्शन, पूरा मेंबर्स, पूरा डिजाइन, पूरा ड्रेस और उसके बाद उनके कनेक्शन एकदम डीप में 150-200 घंटे लगेंगे, बट एक बार डिजाइन हो गया तो मजा आ जाएगा। तो अगर आप चाहते हो तो नीचे कमेंट करना, प्लस पीवी में अगर जाना चाहते हो तो आप जा सकते हो। और भी कुछ इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू पीवी, रिलेटेड टू सिविल इंजीनियरिंग जरूर नीचे कमेंट करो, क्योंकि मेरा हर वीडियो में बनाने से पहले देखता हूँ कि लोगों की रिक्वायरमेंट क्या है, मतलब आपकी रिक्वायरमेंट क्या है। तो कमेंट देख के ही वीडियो बनाए जाते हैं। सो आई रिक्वेस्ट टू यू कि प्लीज डू कमेंट व्हाट एवर क्वेश्चन इन योर माइंड, डू कमेंट, देन ओनली आई कैन मेक अ बेटर वीडियो फॉर यू। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।